अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया वो अम्मा बिने मन रब्बी का हदीस अपने रब की हिम्मत का खूब चर्चा कर रहे थे। आज अल्लाह के फजल से स्टेप्स वगैरह सब लाइन उत्ती खलीफा हो ताकि शरीय अशाम उत्ती सलमान आजमी साहब अल्लाह की नेमत बनकर आज हमारे घर में हमें शिकायत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला उसी में हाज बलद व अंत हिलू में हाज बलद ऐ महबूब हम इस शहर मक्का की कसम खाते हैं। क्यों कसम खाते हैं? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इसमें मेरा घर है या इसमें मुस्तलिफा है या इसमें मीना है या अरफात है या तमाम मवाके हज है और इस पर तमाम मनासी के हज है, इसलिए हमने कसम नहीं खाई। कसम खाई तो वहां का हिंदू बिहार और मलक महबूब इस शहर की मिट्टी में तेरे तकों को चूमा है। के
अंदर और अल्लामा इब्ने असाकिर ने इसको लिखा हजरत के मौके पर हमारे गनीमत के हमारे गनीमत मिला और हमारे गनीमत जब मिला तो उसने एक दफा लिखा क्या था अपनी नस्ल का बहुत आलिशान और आखिरी कथा हूँ और अब से पहले मेरे बाप दादा जो गुजरे हैं उन पर सब नबियों ने सवाल किए तो मेरी ख्वाहिश ये है मेरे ऊपर आठ सवाल है और मैं एक काफिर का कथा था आपसे पहले जब वो मुझ पर बैठने की कोशिश करता था तो मैं गिदक कर उसको गिरा दिया करता था क्या गिदक कर उसको गिरा दिया करता था किसकी जबान गधे की लेकिन समझ कौन रहा लेकिन आज वो टांगों वाला नहीं समझ रहा चार बारों वाला तो समझ गया वो टांगों वाला नहीं समझता मैं मेरे मजबूत नफा कहा नजर इसीलिए आला हजरत फरमाते आज मैं इनकी पना आज वो तो पाऊ इनसे मालूम था कि सियादी कहाँ है लेकिन वहाबी को नहीं मालूम
उठते हैं ऐसा पैदा किए गए हैं जैसा आप पैदा हुए।